कोई हंसता हुआ मिलता है, कोई रोता हुआ मिलता है, कोई हंसता हुआ मिलता है, कोई रोता हुआ मिलता है, कोई अधीर मिलता है, कोई आतुर मिलता है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है जो सहज ध्यान में शांत मुद्रा में मिलता है। जो सहज मुद्रा में मिलता है वह कोई त्यागी होता है, कोई मुनि होता है, कोई ज्ञानी होता है। अमीर से अमीर आदमी के अपने दुख हैं, गरीब से गरीब आदमी के अपने दुख हैं। दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है कि जो अपने सारे दुखों को मिटा ले, सारे विकल्पों को मिटा ले, और दुनिया में इतना कोई गरीब नहीं है जो आने वाले कल को ना बदल सके। कर्म उदय में आते हैं और कभी आप खुश हो जाते हैं, और कर्म उदय में आते हैं, शुभ और साता उदय में आती है तो खुश हो जाते हैं, अशुभ और असाता उदय में आती है तो दुखी हो जाते हैं। यश उदय में आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, आयस उदय में आता है तो बहुत क्लेश हो जाता है। कर्म के उदय से जीवों की क्या दशा हो जाती है। उदय गदा कम मनसा जिनवर बसे ही नियदिना भणिदा तेसु विमूढ़ो रत्तो दुठो वा बंत मणु अवधि। ये जीव भगवान जिनेश्वर ने कहा है कि जब जैसे कर्म का उदय आता है वैसे ये परिणमित हो जाता है, वैसे रागी द्वेषी मोही हो जाता है, और राग द्वेष मोह करता है तो नए नए अस्त्र बंध करता हुआ संसार को बढ़ाता चला जाता है। आपने कभी गौर किया होगा कि कोई दुखी इंसान यदि मुनिराज के पास पहुंच जाए, कोई दुखी आदमी तपस्वी सम्राट के पास वात्सल्य रत्नाकर के पास पहुंच जाए तो उसे क्या उपाय बताते हैं, क्या रास्ता बताते हैं? शांति रखो, धैर्य रखो और नमोकार के जाप करो। क्योंकि अगर खराब उदय में आप और खराब विचार करेंगे, असक्ता का उदय है, रोग आ गया है, बीमारी आ गई है, किसी का वियोग हो गया है, और आप और दुखी होंगे और विकल्प करेंगे और क्लेश करेंगे तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? और असाता का बंध होगा ना। दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नान्यात्म परो भयस्था नान्या सदवेद्यस्य। उदय आया है और आपकी तबीयत खराब हो गई, अब उस तबीयत को लेकर के आपका रोना चालू है कि हाय कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो गया, और आप दुख ही दुख मनाते रहेंगे तो दुख का ही आश्रय बंध होता रहेगा। संकलेश से क्या होता है? क्लेश से क्लेश ही बढ़ता है, और सहजता से सहजता बढ़ती है। मुनिराज पर भी तो उपसर्ग आते हैं। ऐसा युग आ रहा है कि लोग धर्म को भूल करके अधर्म के रास्ते दौड़ रहे हैं। बोलो, रात्रि भोजन त्याग कर लिया जाए और कुछ करें, आपके मंच आपके मंडल करें ना करें, इतना जरूर करें कि सामाजिक स्तर पर कभी भी कहीं भी रात्रि भोजन नहीं होगा। और पानी छानने में तकलीफ क्या है? जो बोतल में भर के आया है, प्लास्टिक के डिब्बों में भर भर के पानी आ रहा है, आपको कैसे भरोसा है कि ये शुद्ध ही है और छना हुआ ही है और इसमें किसी तरह का कोई जहर नहीं है और उसका पीने के लिए उपयोग हो सकता है? पानी तो पानी है, लेकिन फैशन का दौर है। पानी छानना अपने हाथ से दया का प्रतीक है,
अभय दान का प्रतीक है। रात्रि भोजन त्याग किया तो रात्रि संबंधी भोजन की अविरति से बच गए और 24 घंटे में 12 घंटे के उपवास का फल हुआ। और पानी छाना हाथ से अनंत जीवों की रक्षा का भाव, पानी छान करके पिएंगे, पानी छान करके पिलाएंगे। ज्ञानी मुनिराज का आहार कराना कई लोगों को बहुत भारी लगने लगा, क्योंकि यहाँ तो 30-35 परिवार रोज रोज पड़गाहन में जुटे हैं, वो अपनी उनकी भावना उनका भाग्य है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत भारी काम हो गया। महाराज जी तो आना चाहिए, महाराज जी तो विराजना चाहिए, चतुर्मास भी होना चाहिए, लेकिन लेकिन चौका कौन लगाएगा। यहां तक हालत हो गई कि उन्हें चौका लगाना है तो और बाहर से लोगों को बुलाएंगे, किसी स्टाफ को बुलाएंगे, अरे भाई अपने मित्रों को, सहेलियों को, या एक आध बहुत समझदार व्रती महिला को बुला लेते, वहां तक तो ठीक है, तुम तो एकदम पराधीन हो गए। ध्यान रखना, जो सेवा करेगा मेवा उसे ही मिलेगा। आप तो ऑफिसर की तरह आगर एन टाइम पर सिर्फ पड़गाहन के लिए, आपको उतना ही सफल मिलेगा, उतने ही भाव जुड़े हैं आपके, लेकिन ऐसा हो क्यों गया है कि चौका लगाना बहुत भारी मालूम पड़े। उसका मूल कारण है कुएं से पानी निकालने का अभ्यास का खत्म होना, कुओं का दूर होना, पानी कैसे आएगा, क्योंकि आज भी अनेक मुनि संघों में कुएं का पानी ही, क्षणा प्रासुक जल का ही प्रयोग होता, कौन लाएगा, कहां से आएगा, सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद शुद्ध वस्तुओं की उपलब्धता, खूब आलस हो गया, सब पिसा हुआ मसाला आ जाए, सब चीजें बाजार से आ जाएं, और कई लोग तो इतने आलस हो गए कि घर में बनाने का ही काम नहीं, बनी बनाई रोटी भी क्या खा रहे हैं, किसके हाथ का खा रहे हैं, कितना पुराना खा रहे हैं, कभी विचार करना। मुनियों की चर्या तो आज भी सिखाती है कि अपने हाथ से बनाओ, शुद्ध बनाओ, शुद्ध त्यागी को आहार दो और खुद उसी में से भोजन करो, ये मार्ग है। कुएं से पानी भरोगे स्वस्थ रहोगे, चूंकि कुएं से पानी भरना आरंभ है, भोजन बनाना आरंभ है, लेकिन ये आरंभ आपका शुभोपयोगमय है, यानी वहां भोग की दृष्टि नहीं है, वहां दान की दृष्टि है। कर्म के उदय आदि में यह जीव विभिन्न प्रकार से परिणमित हो रहा, क्षुधा भूख लगी, आप भोजन को जाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन बनाएंगे, लेकिन अगर वह पड़गाहन करने के बाद मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहार, वैसे करता है तो एक श्रावक है और वह भोजन करता हुआ भी पुण्य करता है। आपको मालूम है मुनिराज जब आहार को जाते हैं तो भगवान के सामने क्या भक्ति पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, योगी भक्ति पढ़ते हैं, और प्रतिज्ञापना में क्या बोलते हैं, अथ आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शातम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायुसर्गम करूं मैं। मतलब हुआ कि हे भगवान, अब आहार चर्या के निमित्त जा रहे हैं, तो जब तक मैंने आहार का त्याग किया था, अब उस आहार का त्याग का विषय खत्म हो गया, अब सकल कर्म क्षयार्थम, सारे कर्मों का क्षय हो, आहार चर्या को जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कौन सी भावना छिपी हुई है, कौन से भाव हैं,
आहार करेंगे और एकदम आराम से बैठेंगे, सुखी हो जाएंगे, ये वाला भाव नहीं है। आहार भी कर रहे हैं तो वह आहार करना सकल कर्म के क्षय में कारण बने। इसका मतलब है कि मुनिराज तो आहार करते करते भी कर्म क्षय की भावना भाते हैं, और ऐसे मुनियों को जो आहार देने वाले श्रावक होते हैं ना, उनके भी पापों का क्षय जरूर होता। उदय में आई हुई कर्म शुभ और अशुभ फल देते हैं। सोमा के साथ भी हुआ, सासू तो पुराने जमाने से ही बदनाम रही। सोमा की सासू भी बहुत खतरनाक थी, और कहते हैं जब उसने बात नहीं मानी, रात में भोजन नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगी, करना पड़ेगा, नहीं करेगी। कहते हैं नाग बुला लिया, और ये नाग डसेगा, बहू मारी जाएगी, बेटे को तो दूसरी बहू मिल जाएगी, लेकिन रोज रोज का झंझट तो खत्म होगा। लेकिन आप देखिए उस बेटी की प्रतिज्ञा, उसका पुण्य, उसकी सद्भावना कि इतने निर्मल परिणाम कि सांप जैसा जंतु भी सोने का हार बन गया। गजब की बात है, पुण्य कितना जबरदस्त काम करता है। और दूसरी बात देखिए, जब उसके पति ने हाथ डाला उस पर, तो हार भी क्या बन गया, नाग बन गया। ये तो ऐसी विक्रिया हो गई एकदम, जैसे आजकल टीवी पर मोबाइल पर एक सेकंड में कुछ का कुछ बन जाता है, बदल जाता है। और इसका मतलब है कि जब आजकल आधुनिक यंत्रों में ये सब बन जाता है, बदल जाता है, तो उस जमाने में भी ऐसा सचमुच में पुण्य के प्रताप से होना संभव है, होता है। देखो ना, उस दिन जिस दिन यहाँ पर दीक्षाएं थी, 5 दीक्षाएं, और मौसम विभाग ने घोषणा कर दी थी 2 बजे से 6 बजे तक पूर्ण पानी बरसने के, माने भरपूर बारिश है। लेकिन जब यहाँ 12-15 हजार लोगों का समूह जमा हुआ था, सभी भक्तिभाव से दीक्षा देखने के लिए तत्पर थे, बहुत शांत निर्मल परिणामों से अनुमोदना करते थे, तो देवताओं ने भी अपना विचार बदल दिया, और मेघों ने भी अपना रास्ता बदल दिया, समय बदल दिया, और उस दिन की बजाय दूसरे दिन पानी बरसा। बोलो अगर उसी वक्त पानी बरस जाए तो सब कहाँ जाएं? इस मंडप में तो आधे ही लोग थे, बाकी तो सब कोई गाड़ी के ऊपर बैठा, कोई पेड़ के ऊपर बैठा, कोई मन स्तंभ की सीढ़ियों पर बैठा। पुण्य काम तो करता है, भावनाएं फलती तो हैं निश्चित रूप से। इसलिए ये जो अपने नियम सिद्धांत हैं, इन पर दृढ़ रहिए। सोमा सती का उदाहरण आता है, और दूसरा मनोरमा का भी एक उदाहरण आता है। गजमोती चढ़ाने वाली भी एक कहानी आती है। धन्य है इन बेटियों को, उन महिलाओं को, उन राजकुमारों को कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर, जिन शासन पर अटल रहे। ज्ञानियों, अपने हाथ से काम करो, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। प्रमाद मत करो, आलस मत करो। आलस करेंगे तो आप अपने धर्म से, अपने चारित्र से भ्रष्ट हो जाएंगे। बुरा नहीं मानना, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना उसमें क्या वस्तु मिली हुई है, वो कितनी बासी है, कितनी पुरानी है। और आपने उपवास किया, दूसरे दिन बाजार से आई हुई वस्तुएं खा ली, क्या मिला हुआ उसमें? पैकेट बंद चीज का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अपने उदय में आ रहे हैं कर्म,
उनमें शांति रखें, बहुत विचलित ना हों, ना बहुत रागी बने, ना बहुत द्वेषी बने, ना मोही बने। राग द्वेष मोह ये हमारे ही अज्ञान के चिन्ह हैं और आश्रव बंध कराने वाले हैं। मुनिराज राग द्वेष की निवृत्ति के लिए मुनिराज का पद स्वीकार करते हैं। श्रावकों से उतना ना हो सके तो कम से कम देव शास्त्र गुरु की आराधना के योग्य तो अपना उपयोग बना के चलें, इससे जीवन में मंगल होगा। जो जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं, जो जो हमारे परिणमन हो रहे हैं, वे सब कहीं ना कहीं आश्रय बंध के कारण बनते हैं। लेकिन जितनी उसमें आसक्ति होती है, जितना उसमें राग होता है, देखो शरीर पर जितना तेल लगाएंगे धूल उड़ने पर उतना ही ज्यादा शरीर के ऊपर मैल चढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में मारवाड़ की धरती पर जब बिहार हुआ तो क्या करते थे कुछ युवक कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा तेज धूप है, तो इन महाराज जी का अंतरा है, अपन इनको ऐसा घी कपूर मथ करके लगा देते हैं तो कम से कम थोड़ी तो रक्षा होगी धूप से। और वो लगा दिया रास्ते में चले कि जोर की हवा आई, गर्मी में तो आंधी भी आती है, जोर की हवा आई तो बाकी महाराज जियों को तो धूल नहीं लगी, लेकिन जिनको घी कपूर लगा था वो पूरे बाबा बन गए, बबूत लग गई पूरे शरीर पर। मतलब जितना चिक्कण पदार्थ लगा है उतना ज्यादा धूल पकड़ती है, जितना हम रागी द्वेषी होते हैं उतना ज्यादा आश्रव बंध होता है। राग की चिकनाई हटे ना तो वीतरागता बढ़े। कोई प्रश्न करता है कि जब संसारी लोग क्रियाएं करते हैं, राग द्वेष के वशीभूत होकर के क्रियाएं करते हैं और नया आश्रव बंध करते हैं, तो अरहंत भगवान के भी तो क्रियाएं देखी जाती हैं। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, कहां हुआ केवल ज्ञान? ऋजु कूला नदी के तट पर ध्यान में विराजे थे और उन्हें केवल ज्ञान होकर के फिर पहली दिव्य ध्वनि कहां खिरी? विपुलाचल पर्वत पर। ज्ञानी ऋजु कूला नदी के तट से विपुलाचल पर्वत की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? कुछ नहीं तो 50 किलोमीटर तो है।